सिंगरौली पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देशानुसार बेडन थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष त्रिपाठी को बड़ी सफलता मिली है। जब जिला बदर किए गए शातिर अपराधी लूट चोरी डकैती के मामले में दर्ज कोतवाली क्षेत्र में घूमता हुआ पाया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली प्रभारी मनीष त्रिपाठी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि जिला बदर किए गए खतरनाक वे शातिर बदमाश रोहित भाट और सुलेंदर भाट रात्रि के समय किसी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से ताली इलाके में घूम रहा है, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी ने तत्काल पुलिस टीम रवाना कर उक्त आरोपी की घेराबंदी कर पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ जिला बदर के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ बेड़न विद्यानगर मांडा एवं सीमावर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश बीजपुर एवं अन्य थानों में भी लूट डकैती मारपीट के लगभग 20 अपराध दर्ज हैं। उक्त कार्रवाई में प्रधान आरक्षक संतोष सिंह, अरविंद द्विवेदी, अरविंद चतुर्वेदी, आरक्षक संजय सिंह परिहार, महेश पटेल सहित गठित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।